हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक है। समकोण त्रिभुज की आधार 12 सेमी तथा शीर्ष लंब 9 सेमी हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका आधार कितना है? 12 सेमी तथा शीर्ष लंब कितना है? 9 सेमी। ठीक है, दिया गया है। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना दिया गया है? 12 सेमी, तो 12 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तथा शीर्ष लंब कितना दिया गया है? तथा शीर्ष लंब बराबर कितना दिया गया है? 9 सेमी, तो 9 सेमी हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है, इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है, इक्वल टू 1/2 आधार कितना दिया गया है? 12 सेमी, क्या हो जाएगा आधार की जगह पर? 12 हो जाएगा, गुणे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कितना दिया गया है? 9 सेमी, तो शीर्ष लंब की जगह पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 12 कट जाएगा, 2 6 12। ठीक है, इक्वल टू 6 में 9 से गुणा होगा तो 6 9 कितना होता है? 54। ठीक है, सेमी स्क्वायर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।